कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे गदरपुर के धुलर भोज के सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार एवं किए गए लाठीचार्ज और हुए मुकदमे के विरोध में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले समस्त सफाई कर्मचारियों ने शासन प्रशासन एवं चेयरमैन पति के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गुलर भोज पुलिस चौकी पहुंचकर चौकी का घेराव कर थानाध्यक्ष जसविंदर सिंह को ज्ञापन सौंपकर लाठीचार्ज का विरोध किया। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों पर लगे मुकदमे वापस करने और चेयरमैन पति तरुण दुबे द्वारा अभद्र व्यवहार और जाति का भेदभाव करने के लिए एससी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। साथ ही नगर पंचायत में चेयरमैन पति के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए तहरीर के साथ फोटो भी भेजी, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर चेयरमैन पति बैठा हुआ है। तो वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जिम साहब ने जो करा है बहुत गलत किया और ये चेयरमैन पति की वजह से हुआ जो हुआ, और हम बहुत निंदा करते हैं इसकी। जिम साहब ने इस तरीके से हमारे लोगों को अनुसूचित जाति शब्द बोले गए हैं, मारपीट करिए, और दुबे जी गुलर भोज चेयरमैन पति जो है अगर आज गिरफ्तार नहीं होता है, दो दिन का टाइम देके जा रहे हैं, अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो रुद्रपुर जिले के अंदर मैं हड़ताल पे चले जाऊंगा अपनी पूरी टीम को लेकर के, और आगे धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। एक पीसीएस अधिकारी द्वारा इन पर लाठी भांजी गई, जबकि पीसीएस अधिकारी को भी कानून के दायरे में रखे इनसे पहले प्यार से बात करनी चाहिए थी, और बात करने के बाद इनको समझाना चाहिए था। अगर ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो क्या ये चीज समाज के एक नागरिक नहीं है? नागरिक होने के नाते उनके ऊपर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करा गया है, वो बिल्कुल गलत कर गया है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर जो है पूरा धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। अगर एसडीएम को भी और साथ में जो तरुण दुबे यहाँ का चेयरमैन है और अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे जिले के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश पर हड़ताल की भी संभावना बनी हुई है, और जो सारे कर्मचारी रोड पर आकर उग्र आंदोलन करेंगे।